नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। मैं हमेशा ही आप सभी के साथ नए नए विषय पर चर्चा करता रहता हूँ। आप सभी मेरी वीडियो देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं हमेशा ही नए नए विषय पर आपको जानकारी देता रहता हूँ, और आज का जो विषय है वो है फोटो स्टूडियो। आपका अपना फोटो स्टूडियो पहले से बना हुआ है, या आप अपना नया फोटो स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, या आप अपने फोटो स्टूडियो को रेनोवेट करने जा रहे हैं, तो आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। मेरे को वास्तु विजिट करते हुए लगभग 22 साल हो चुके हैं। मैंने बहुत सारे फोटो स्टूडियो की विजिट्स की और उन्होंने अपने यहाँ बदलाव करके बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त किए। आप अपना नया फोटो स्टूडियो बनाने जा रहे हैं, या आपका फोटो स्टूडियो बना हुआ है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है, तो आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुने, समझे और विचार करें। आपको लगता है कि बंसल जी की बातें सही है, तो आप अपने फोटो स्टूडियो का सेटअप वास्तुशास्त्र के अनुसार कर सकते हैं। आपका फोटो स्टूडियो साउथ फेसिंग यानी दक्षिण मुखी है, इसमें आपने सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है। कोई भी जगह जब आप लेने जाएं, तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि आपकी शॉप रोड के लेवल से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। जो आपका बाहर का एरिया है, यानी जो रोड का एरिया या आपके यहाँ फुटपाथ का एरिया है, वो हमेशा ही साफ सुथरा, स्मूथ और एक लेवल में होना चाहिए। आपने अपने यहाँ पर फ्रंट के भाग में पत्थर लगवाना है, ग्रेनाइट लगवाना है, तो ध्यान रखना है रेड कलर का पत्थर, रेड कलर का ग्रेनाइट ही लगवाना है। या फिर आप अपने यहाँ पर इंटरलॉक टाइल्स लगाते हैं, तो वो भी आपने रेड कलर के लगवानी है। आपका अपना जो शटर है, शटर के ऊपर आपने रेड कलर या मैरून कलर ही करना है। आपका अपना काम फोटो स्टूडियो का है, तो आपके यहाँ फ्रंट में ग्लास की फिटिंग होती है और डोर बनाया जाता है। आपके यहाँ जो डोर बनेगा वो साउथ प्लस साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपका अपना डोर बनेगा। आपने अपने यहाँ पर डोर के आगे जो फुटमैट रखना है, वो भी आपने रेड कलर का ही रखना है। आपने अपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपने अपना इलेक्ट्रिक मीटर लगाना है, और यहीं पर आपका अपना इन्वर्टर आएगा। आपने अपने यहाँ पर काउंटर कहाँ बनाना है, आपने अपने यहाँ पर काउंटर ये एल शेप में आपका अपना काउंटर बनेगा। ओनर की जो सीटिंग है वो यहाँ पर आएगी, और जो स्टाफ की सीटिंग है वो आपकी यहाँ पर आएगी। इसमें आपने कैश बॉक्स कहाँ बनाना है, कैश बॉक्स एक तो आपने ओनर के सामने या हल्के राइट हैंड की ओर बनाना है, और दूसरा कैश बॉक्स जो आपने बनाना है वो आपने साउथ वॉल पर यानी काउंटर के साउथ के भाग में बनाना है, जो कि आपका नॉर्थ की ओर ओपन होगा। जो ये कैश ड्रॉअर है, ये आपकी नॉर्मल रूटीन में होगी, और जो आपकी कैश ड्रॉअर ये बनेगी, ये आपकी मेन कैश बॉक्स रहेगी, और इसी के साथ आप मैक्सिमम इस कैश बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छी रहेगी। आप इसका मैक्सिमम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका अपना फोटो स्टूडियो का काम है, और इसमें एक एडिटिंग टेबल भी लगाई जाती है, और फोटो खींचने के लिए एक अलग से रूम भी बनाया जाता है। उसके लिए आपने बैक साइड में आपका फोटो खींचने के लिए रूम बन जाएगा, और आपने अपने यहाँ पर एडिटिंग टेबल कहाँ लगानी है, यहाँ पर लगानी है, और यहाँ पर आपका अपना स्टाफ बैठ जाएगा। आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज और डिस्प्ले कहाँ बनानी है, आपके अपने स्टोरेज और डिस्प्ले वेस्ट वॉल पर साउथ वेस्ट कॉर्नर तक, इस भाग में आपकी अपनी नीचे के भाग में स्टोरेज आ जाएगी, और ऊपर के भाग में आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। कस्टमर के बैठने के लिए जो सीटिंग बनानी है, वो सीटिंग आपने ईस्ट वॉल के साथ यहाँ पर आपने कस्टमर के बैठने के लिए सीटिंग बनानी है। यहाँ पर आप अपनी सेटी भी रख सकते हैं, सोफ़ा रखना चाहे तो सोफ़ा भी रख सकते हैं, और चेयर रखना चाहे तो चेयर्स भी रख सकते हैं। ध्यान रखना है जब आप यहाँ पर सेटी रखें, तो सेटी के अंदर कोई भी सामान नहीं रखना है, और सोफ़ा रखते हैं तो सोफ़ा भी आपका लाइट वेट का
होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आप सेटी रखते हैं तो सेटी के ऊपर जो गद्दी होती है, गद्दी का जो कवर होता है, वो ग्रीन कलर या लाइट ब्राउन कलर ही होना चाहिए। ऐसे ही आपके अपने सोफे का कलर होना चाहिए और जो चेयर्स लेके आए उस चेयर्स का कलर भी ऐसा ही होना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, जो ओनर और स्टाफ की चेयर्स है ये वाइट कलर या ग्रे कलर की ही होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर मंदिर कहाँ लगाना है? मंदिर आपने अपने यहाँ पर साउथ ईस्ट के भाग में, यहाँ पर आपका अपना मंदिर लगेगा। और पीने का पानी आपने कहाँ रखना है? पीने का पानी आपने अपने यहाँ पर, यहाँ पीने का पानी रखना है। स्टूडियो के अंदर जाने का जो रास्ता बनाना है, जो डोर बनाना है, वो डोर आपका अपना यहाँ पर, यहाँ से आप अपना अंदर जाएंगे। फोटो खींचने के लिए बैकग्राउंड में कर्टन्स का इस्तेमाल किया जाता है, वो कर्टन्स आपने ईस्ट वॉल पर, यहाँ पर आपने अपने कर्टन्स लगाने हैं। मिरर आपने कहाँ लगाना है? तैयार होने के लिए मिरर भी लगाया जाता है, वो मिरर आपने नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वॉल पर, यहाँ पर आप अपना मिरर लगाएं। आपका अपना कैमरा, जहाँ आपको अपनी रिक्वायरमेंट लगती है उसके हिसाब से आप अपने कैमरे की सेटिंग कर सकते हैं। लाइटें, जहाँ जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप अपनी लाइटें भी लगा सकते हैं। एक बात का जरूर ध्यान रखना है, फोटो स्टूडियो के अंदर हमेशा ही तारों का जंजाल भी बना रहता है, यानी तारें बहुत ज़्यादा फैली हुई होती है, उसमें आपने ध्यान रखना है। जो आपका नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर है, कोई भी केबल नहीं होनी चाहिए। आपने अपने यहाँ पर स्टूडियो के अंदर बैक साइड में, यहाँ पर आपने अपनी स्टोरेज बनानी है। इस अलमीरा के अंदर आपके अपने कैमराज, लाइट्स और लेंसेज वगैरह, यानी जो भी आपके स्टूडियो से रिलेटेड इक्विपमेंट्स है, वो आप अपने यहाँ पर रख सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपका फ़ोटो स्टूडियो का काम है तो आप अपने यहाँ पर स्टूडियो के अंदर एक कारपेट भी बिछाते हैं। वो कारपेट आपने ग्रे कलर या स्काई ब्लू कलर का ही बिछाना है, और जो कारपेट आप बिछाएं वो बिल्कुल पतला स्लिम होना चाहिए। यदि आप अपना नया स्टूडियो बनाने जा रहे हैं तो उसमें जो आपका स्टूडियो है उस स्टूडियो का फर्श का लेवल बाहर के ऑफिस ब्लॉक के फर्श के लेवल से आधा इंच एक इंच नीचा होना चाहिए। आपके यहाँ फोटो खिंचवाने के लिए फैमिलीज आती रहती हैं, आपने उनके बैठने के लिए जो सीटिंग बनानी है, जो स्टूडियो के अंदर सीटिंग बनानी है, वो सीटिंग आपने यहाँ पर बनानी है। यहाँ पर आप अपना सोफ़ा लगा सकते हैं। सोफे के साथ आपने चेयर लगानी है तो वो चेयर आप एक यहाँ पर लगा सकते हैं और एक आप यहाँ पर लगा सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, आपका अपना फ़ोटो स्टूडियो पहले से बना हुआ है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है तो आप अपने यहाँ देखें, आपके यहाँ स्टूडियो के नॉर्थ साइड में, यानी जहाँ आपकी फ़ोटो खींचती है वहाँ पर आपने रेड कलर का कारपेट बिछाया हुआ है, तो आपके यहाँ पहली बात तो इनकम आती नहीं है, जो आती है वो खर्च हो जाती है। आपके यहाँ आपके अपने स्टूडियो के खर्चे भी बड़ी मुश्किल से निकलते हैं। घर तक पैसा पहुँचना तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सारा पैसा आपका अपने स्टूडियो में ही खर्च हो जाता है, क्योंकि आपके यहाँ नॉर्थ के भाग में उत्तर दिशा में रेड कलर का जो फर्श के ऊपर कारपेट बिछाया हुआ है उसके कारण ये समस्याएँ आती है। आपके यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही है, आपके यहाँ सेविंग नहीं हो रही है, सारा पैसा आपका स्टूडियो में ही खर्च हो जाता है, तो आप उस कारपेट को रोल करके रख दें, यानी उठाकर रख दें। ऐसा करने से मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ वर्किंग जरूर आ जाएगी। फोटो स्टूडियो हमेशा ही प्रॉफिट में कब आता है? जब उनके यहाँ मैरिजेस की, फंक्शंस की बुकिंग आती है तब उनके यहाँ प्रॉफिट आता है। जो रूटीन में फ़ोटोज़ खींचती हैं उनमें तो सिर्फ उनके अपने रूटीन के खर्चे ही पूरे होते हैं। अगर आप अपने यहाँ सेटअप अच्छा कर लेते हैं तो आपके यहाँ हमेशा ही एडवांस में बुकिंग बनी रहेगी और आपकी जो अपनी पेमेंट है वो भी रूटीन में पूरी आती रहेगी। आपने इस प्रकार से अपना स्टूडियो का सेटअप जरूर करना है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आपका अपना स्टूडियो बना हुआ है और आपके यहाँ वर्किंग अच्छी नहीं है तो आप अपने यहाँ देखें, आपके नॉर्थ ईस्ट के भाग में आपने कैमरे के स्टैंड्स लगाए हुए हैं, लाइटों के स्टैंड लगाए हुए हैं या लाइटें रखी हुई है, या आपने नॉर्थ ईस्ट के भाग में नॉर्थ वॉल पर या ईस्ट वॉल पर कैबिनेट बनाई हुई है,
तो भी आपके यहाँ इनकम नहीं आ सकती। आप अपने यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के भाग को, ईशान कोण को खाली करें, वो सारा सामान आप अपने यहाँ पर स्टूडियो के साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर रखेंगे तो आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। मैंने आपको स्टूडियो के बारे में कंप्लीट सेटअप बता दिया है। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, क्योंकि आपके यहाँ जो कस्टमर्स आते हैं उनको फ़ोटो दिखानी होती है, फ़ोटो तो आपके यहाँ दीवार पर हैंग हो जाती है, वो फ़ोटोएँ आपकी ईस्ट वॉल पर भी हो सकती है, वेस्ट वॉल पर भी हो सकती है, नॉर्थ वॉल पर भी हो सकती है। आपके यहाँ जो वीडियोस बनती है, जो कस्टमर को वीडियोस दिखाते हैं, जो फंक्शन की वीडियो दिखाते हैं, वो वीडियो के लिए आपने जो स्क्रीन लगानी है वो स्क्रीन आपकी अपनी काउंटर के ऊपर, यहाँ पर आपकी अपनी स्क्रीन यानी LED आ जाती है। इस प्रकार से आप अपना फ़ोटो स्टूडियो का सेटअप करते हैं तो आपके यहाँ हमेशा ही बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में कई सवाल जरूर उठते होंगे। आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो निसंकोच होकर मेरे से बात कर सकते हैं। अपने लेआउट पर या अपनी किसी भी बिल्डिंग के लेआउट पर मेरे से कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं तो निसंकोच होकर मेरे से कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि मेरी आने वाली जितनी भी नई वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।